So, after a countless number of trying, yesterday I got my perfect recipe of making rasgullas. I have tried so many recipes, but it turned out amazing. Hi, hello, namaste, my name is Shivangi and welcome to the Tales of Homemaking. So, let's get started with the recipe. यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ पनीर बनाने के लिए, जिससे इवेंचुअली हमें रसगुल्ले बनाने हैं। मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस मिला लूँगी, सो दैट इससे मैं अपने मिल्क को कडल कर सकूँ। नाउ आई हैव एडेड द लेमन जूस इनटू द मिल्क एंड रेस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द कंसिस्टेंसी ऑफ पनीर। यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है पनीर को छानने के लिए। मेक श्योर कि आप जो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो कॉटन हो और क्लीन हो। जनरली लोग मसलिन क्लॉथ भी यूज़ करते हैं, बट आई डोंट हैव दैट वन, सो आई एम यूजिंग अ कॉटन हैंकी। नाउ आई विल यूज़ दिस वाटर इन माई अनदर कुकिंग, सो यू कैन सेव इट फॉर राइस और एनीथिंग एल्स। नाउ आई एम गोइंग टू वॉश द पनीर सो दैट उसकी लेमन की खटास चली जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से क्लीन कर लें सो दैट इसका सारा पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। पानी को अच्छे से ड्रेन करने के लिए मैं इसे टैप पर टाई करने वाली हूँ। आप भी टैप पर टाई कर सकते हैं एंड देन रेस्ट इट फॉर ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। इन द मीन वाइल पनीर इज ड्रेनिंग, आई एम मेकिंग अ शुगर सिरप इन द कुकर। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी ली है और 1.5 कप पानी लिया है शुगर सिरप बनाने के लिए। जो पनीर मैंने तैयार किया है वो ऑलमोस्ट 1/2 कप है, तो 1/2 कप पनीर में 1/2 कप ही चीनी जाएगी और 1.5 कप पानी जाएगा। यहाँ पे मैंने पनीर को मैश कर लिया है आफ्टर 25 मिनट्स, और आप इसको आपकी हथेली से मैश करें। आपको इसे बिल्कुल नॉन क्रम्बल कंसिस्टेंसी में लाना है एक डो के पेस्ट में। थोड़ा सा मैश करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच सूजी में ऐड करने वाली हूँ। यहाँ जनरली लोग अरारोट ऐड करते हैं, बट मैं अरारोट नहीं ऐड करती हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, सो आई एम एडिंग द सूजी ओवर हियर एंड इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। इसको मेक श्योर अच्छे से मैश कर लें। एक डो की कंसिस्टेंसी में जब ये आ जाए तब उसके बॉल्स बनाने शुरू करें। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स मैश करने के बाद मेरा पनीर एक डो की कंसिस्टेंसी में आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। नाउ आई एम स्टार्टिंग मेकिंग बॉल्स ऑफ इट। आप किसी भी साइज़ की बॉल्स बना सकते हैं। मैंने बहुत छोटे बॉल्स बनाए हैं बिकॉज वी ईट लाइक दिस ओनली। आप छोटे बॉल्स बना लें एंड मेक श्योर आप उन्हें तब तक राउंड करें जब तक उनमें से क्रैक्स ख़त्म ना हो जाएं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से दोनों पाम्स के बीच में इसे राउंड कर रही हूँ विदाउट एनी क्रैक्स। इसी तरीके से सारी बॉल्स को हम राउंड कर लेंगे एंड इट्स लुक्स लाइक दिस। अब मैं इसे बॉइलिंग शुगर सिरप में डालूंगी 1/1। मेक श्योर आप 1/1 डालें सो दैट शुगर सिरप का टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। द मेन की इज जो शुगर सिरप है उसका टेम्परेचर एक साथ सारी बॉल्स डालने पर ड्रॉप हो जाता है एंड देन दे टर्न आउट वेरी टाइट, सो हमें वो नहीं करना है एज यू कैन सी। नाउ आई कवर द प्रेशर कुकर एंड अप टू 1 विसल आई मेक इट ऑन हाई हीट। माई गैस नंबर इज 9, सो आफ्टर 1 विसल आई एम गोइंग टू स्लो द गैस। नाउ लेट इट सिट फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स स्विच ऑफ द फ्लेम एंड कीप द कुकर असाइड। नाउ प्रेशर कुकर से प्रेशर रिलीज होने के बाद हम इसे खोलेंगे और 1/1 एक बाउल में मैं इसे रखती जा रही हूँ। जब प्रेशर कुकर से सारा प्रेशर रिलीज हुआ है तभी मैंने इन्हें निकाला है। नाउ लेट इट सिट अंटिल इट रीच ऑन द रूम टेम्परेचर। उसके बाद मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा है 2 घंटे के लिए एंड आफ्टर दैट दे आर रेडी टू ईट। मस्ट ट्राई रेसिपी एंड इट्स वेरी इजी टू कुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।